क्वेश्चन है हमारा, समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहले हमें समाज का मतलब जानना है। समाज सामाजिक संबंधों का एक चाल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाज। समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। समाज अमूर्त है, हम उसको देख भी नहीं सकते, यानी इंटेंजिबल है, उसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो समाज में समानता व विभिन्नताएँ होती रहती हैं। समानता भी होती है, विभिन्नता भी होती है समाज में। पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष भी होते हैं। कभी कभी हम किसी भी चीज़ का एक साथ मिलकर सहयोग करने लग जाते हैं और किसी किसी का संघर्ष करने लग जाते हैं। और आश्रित रहने का नियम है, यानी हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। हम दुकानदार से कोई चीज़ लेकर आए, दुकानदार किसी और से लेकर आए, तो यानी हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। और जब हम तबीयत खराब जाती है तो हम इंडिपेंडेंट होकर भी हमें किसी के ऊपर आश्रित होना ही पड़ता है। तो आश्रित रहने का नियम होता है। समाज परिवर्तनशील है, यानी समाज में, ये तो बहुत ही फेमस डायलॉग है, समाज में परिवर्तन कॉमन बात है। तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होते ही रहते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो समाज के क्या क्या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कि समाज अमूर्त है, समाज में समानता विभिन्नता होती है, समाज परस्पर सहयोगी भी हो सकते हैं और संघर्ष भी हो सकते हैं इनमें, आश्रित रहने का नियम भी है, और समाज में क्या होता है, परिवर्तनशील है समाज। तो ये थी इसकी मुख्य विशेषताएँ समाज की।